हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युतकी का कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम के लिए। 20 नंबर तक आपको पिछला 2 लेक्चर में हम करा चुके हैं, आज 21 से लेकर के 30 नंबर तक करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि पी पी वैक्टर आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तब इस पर लगा बल आघूर्ण है, यानी क्या पूछ रहा है? बल आघूर्ण। तो समझिए, बल आघूर्ण यानी टाउ बराबर आप पढ़े होंगे पी ई साइन थीटा। कितना? पी ई साइन थीटा। तो सोचो बाबू, ये थीटा कितना दिया? 90 डिग्री। बोलो पी ई साइन, बोलो थीटा के जगह अगर 90 रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो पी ई इंटू 1 यानी कितना? पी ई हो गया। क्लियर है? तो सिंपल सा मेरा आंसर कितना जा रहा है? पी यानी आंसर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर, क्या बोल रहा है ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण। तो याद करो, बल आघूर्ण सदिश रूप में जो होता है टाउ वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो देखो ये ऑप्शन है, तो चलो इसका ए नंबर में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा ध्यान से देखिए। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। तो याद करो, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से अगर r दूरी पर अगर हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत कर्मानुपाती होता था दूरी के किसके? क्यूब के। क्लियर है? तो है ऑप्शन कहीं पर, तो देखिए डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्या बोल रहा ध्यान से देखिए। तो ये बोल रहा है विद्युत तीव्रता की विमा, विद्युत तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर है? इसका विमा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक सबसे पहले अगर बताएं तो न्यूटन प्रति कूलम होता था। चलो इसको यहाँ से तोड़ें तो केजी न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू कूलम को लिखते हैं हम लोग एम्पियर सेकंड। याद रखिए कूलम को क्या लिखते हैं? एम्पियर सेकंड। लेकिन देखो कूलम पर पावर -1 है, तो बोलो यहाँ पर पावर कितना? -1। तो बोलो केजी मीटर एस पर पावर -2 इंटू, बोलो ए पर पावर कितना हो गया? -1। एस पर पावर -1। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें, देखिए केजी मीटर एस पर पावर -2 और -1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस पर पावर -3 और ए पर पावर कितना? -1। चलो इसको विमीय सूत्र बदले, केजी को लिखते हैं एम, मीटर को लिखते हैं एल, सेकंड को लिखते हैं टी, पर पावर -3 तो -3, ए को ए लिख सकते हैं या आई, तो यहाँ पर आई लिया गया है तो -1। देखिए ये ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है एम एल टी पर पावर -3 आई पर पावर -1, तो देखिए बी नंबर में मैच कर रहा है। क्लियर है? तो इसलिए इसका आंसर चला गया बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। तो याद कीजिए हम बताए थे, जैसे मान लीजिए अगर कोई चालक पदार्थ का गोला है तो आवेश सिर्फ इसके सतह पर रहेगा। कहाँ रहेगा? सतह पर, क्योंकि चालक के सतह के अंदर आवेश 0 होता है। लेकिन ये अचालक मतलब कुचालक है, तो डेफिनेट इसके सतह के अंदर भी आवेश आ जाएगा। तो याद रखना, सतह के बाहर भी रहेगा, सतह के अंदर रहेगा, तो इसका आंसर जाएगा बी, सतह के अलावा अंदर भी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा ध्यान से देखिए। बोल रहा है किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो, कितना हो? एप्सिलॉन आर हो। ध्यान से देखिए, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक कितना हो? एप्सिलॉन आर हो, तो उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाकलाप बल कितना है? एफ हो। कितना हो? एफ हो। ध्यान से देखिए, परावैद्युतांक दिया एप्सिलॉन आर और बल कितना लग रहा है? एफ। तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा। तो याद कीजिए, हम परावैद्युत नियतांक के बराबर पढ़ाए थे, आपको बताए होंगे क्या? निर्वात में लगने वाली बल कोई बाय कोई माध्यम में लगने वाली बल। क्लियर है? तो आपको ये भी पता होगा, ये जो परावैद्युत नियतांक है के, इसको हम एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी सूचित कर सकते हैं। इसीलिए बोलिए के जगह कितना हो गया एप्सिलॉन आर, के जगह हो गया एप्सिलॉन आर। एफ नॉट मतलब निर्वात में लगने वाली बल, निर्वात यानी जब कोई माध्यम नहीं हो, और एफएम जब कोई माध्यम था। यहाँ देखिए साफ साफ बोल रहा है, जब माध्यम कितना था? एप्सिलॉन आर, तब बल लग रहा था। यानी ये जो बल एफ है ये माध्यम वाला है, तो इसको हम एफ एम के जगह सिर्फ क्या रख दिया? एफ। तो बोलो एफ नॉट यानी जब हटा दिया माध्यम यानी निर्वात का एफ नॉट निकालना, तो बोलो एफ नॉट बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन आर इंटू एफ है ऑप्शन में। तो देखिए इसका बी नंबर आंसर जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए।
बोल रहा आर दूरी, कितना दूरी, आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है, कितना लगता है, यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, वो दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, और उनके बीच की दूरी क्या कर दिया गया, आधा कर दिया, तो उनके बीच लगने वाला बल, तो आप पढ़े होंगे बल जो है वो समानुपाती होती है क्यू वन इंटू क्यू टू के, और व्युत्क्रम अनुपाती होती है आर स्क्वायर के। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है आवेशों का मान दोगुना कर दिया गया, यानी ये जो है ये दोनों आवेश दोनों को दोगुना कर दिया, चलो इसको भी दो इसको भी दो, बाय दूरी क्या कर दिया, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो दूरी जो है आधा कर लेंगे, आधा यानी वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो बोलो एफ समानुपाती कितना हो गया, फोर बाय, इसको अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा वन बाय फोर, इसको अगर ऊपर ले जाए तो कितना आ जाएगा, सिक्सटीन, कितना सिक्सटीन, यानी फोर्स जो है वो सिक्सटीन टाइम्स हो जाएगा। तो पहले अगर फोर्स एफ था तब सिक्सटीन टाइम्स कितना हो जाएगा, सिक्सटीन एफ, तो इसका आंसर चला गया सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो याद करो विद्युत विभव जो होती थी वो समानुपाती होती थी किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसके, वन बाय आर स्क्वायर के, यानी सिंपल सा ये ऑप्शन है वन बाय आर स्क्वायर है सी नंबर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम है, देखिए खाली जगह दिया, बोल रहा है कितना कूलम है, तो सबसे पहले संबंध याद कीजिए, आपको हम सिखाए थे वन कूलम इक्वल टू 3×10⁹ स्टेट कूलम, क्लियर है, क्या पढ़ाए थे वन कूलम इक्वल टू 3×10⁹ स्टेट कूलम, तो इसको उल्टा लिख सकते हैं 3×10⁹ स्टेट कूलम इक्वल टू वन कूलम, कुछ नहीं किए सिर्फ इसको इधर ले गए, ध्यान से देखिए इसको इधर ले गए और इसको इधर लिखे, तो बोलो वन स्टेट कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाय इसको ले जाएंगे 3×10⁹ कितना 9 कूलम, तो बोलो इसको लिख सकते हैं वन स्टेट कूलम इक्वल टू 1/3×10⁹ था ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा -9 कूलम, क्लियर है, ये ऑप्शन जाएगा, तो 1/3×10⁻¹ है देखिए डी नंबर में, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने परस्पर जोड़ दिए जाते हैं, यानी दो सुचालक गोला, जैसे मान लो ये गोला दोनों को अलग अलग आवेश किया, अलग अलग मतलब अलग अलग आवेश दिया, जैसे मान लो एक में 4 एक में 3, और इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया तो डेफिनेट इलेक्ट्रॉन क्या चलेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है, और ये इसलिए चलेगा क्योंकि हमेशा बताए थे इलेक्ट्रॉन जो है चाहता है कि दोनों का विभव समान हो जाए, तो देखो यहाँ उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉन चलेगा, डेफिनेट इसमें धारा का प्रभाव होगा, और जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होगा तो आपको पता होना चाहिए उस तार में ऊष्मा उत्पन्न होता है, और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ऊर्जा की हानि किस रूप में होती है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में होती है, तो डेफिनेट यहाँ अगर धारा चला तो यहाँ ऊर्जा क्या होगा, हानि होगा, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा जो था वो रहेगा नहीं, यानी संरक्षित ऊर्जा तो नहीं रहने वाला, तो इसलिए यहाँ कौन संरक्षित रहेगा, आवेश, आवेश बताए थे जितना पहले था बाद में भी उतना रहेगा, आवेश संरक्षित रहता है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बिल्कुल गलत, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, बिल्कुल सही है, दोनों का क्या रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। तो चलिए आज इतना ही, उम्मीद करते हैं आज 30 नंबर तक हो गया, अगला दिन 31 से 40 तक करा देंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं जरूर समझ में आ रहा होगा, अगर इसी तरह बने रहिए हमारे साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।